दोस्तों नमस्कार, हैंड्रॉइड टीवी हेल्पर में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो है लॉन्च ऑन बूट के बारे में। तो उसकी मदद से आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी टीवी ऑफ है फिर ऑन करेंगे तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। तो पहले आपको अपनी टीवी का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसमें आपको सर्च कर लेना है लॉन्च ऑन बूट, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले सर्च कर लेता हूँ और ये सभी एंड्रॉयड टीवी में वर्किंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लॉन्च ऑन बूट और ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो मैं पहले यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करना आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और इस ऐप की मदद से आप आसानी से कोई भी ऐप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जैसे आपकी टीवी ऑफ है फिर आप ऑन करोगे तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन होगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। तो वीडियो पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। तो मैं पहले बैक चला जाता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये सबसे एंड्रॉयड टीवी में सबसे बेस्ट ऐप है, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऐप है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले। तो इसका आप फर्स्ट लुक देख सकते हैं, लॉन्च ऑन बूट ये एप्लीकेशन आपको अपने प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको मांगे वो यहाँ पर यस करना है, फिर यहाँ पर गेट स्टार्ट पर आपको ओके कर देना है, तो आपका यहाँ पर बूट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले इनेबल करना है, तो मैं पहले यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। फिर आपको नीचे चले जाना है यहाँ पर सिलेक्ट ऐप में। तो यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट ओपन करना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी टीवी यहाँ पर ऑफ है फिर आप ऑन करोगे तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन होगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप लाइव टीवी देखते हैं तो टीवी मेट या OTT नेविगेटर सब भी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपकी टीवी यहाँ पर ऑन होगी तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पर आपको टीवी रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, जो हमने टीवी मेट यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी टीवी यहाँ पर पावर ऑफ हो रही है, फिर ओपन होगी। तो आप देख लेना, डायरेक्टली जो हमने टीवी मेट सिलेक्ट किया है वही एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन होगा। और ऐसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी टीवी यहाँ पर ऑन हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमोट से मैं कोई भी बटन नहीं दबाने वाला हूँ, डायरेक्टली ओपन होगा टीवी मेट। यहाँ पर 2-3 सेकंड की देर लगती है फिर ओपन हो जाता है डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी मेट ओपन हो गया है, मैंने रिमोट से कोई भी बटन नहीं दबाया, डायरेक्टली ओपन हो गया है टीवी मेट। और बूट की मदद से आप आसानी से कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी मेट है, OTT नेविगेटर है, आप कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी के लिए बेस्ट ऐप है, आप जैसे ही टीवी ऑन करोगे आपने जो भी एप्लीकेशन सिलेक्ट किया होगा वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और आपको दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको फिर से आपको वो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, लॉन्च ऑन बूट वो एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ जाना है सिलेक्ट ऐप में, और यहाँ पर आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपके जो टीवी में इंस्टॉल एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। यहाँ पर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, OTT नेविगेटर है। मैं पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन है, आपको जो भी एप्लीकेशन पहले ऑन करना है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप टीवी ऑन करोगे तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट एंड्रॉयड टीवी बूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आपको जो भी एप्लीकेशन सिलेक्ट किया हो, और इसको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट ऐप है, तो आपको पहले यहाँ पर सेटिंग में जाकर इनपुट चेक कर लेना है, आपका सेटअप बॉक्स के साथ आपका जो HDMI हो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट यहाँ पर कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपका सेटअप बॉक्स का जो इनपुट होगा वो चलेगा HDMI का, फिर वो एप्लीकेशन चलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है यहाँ पर सब कुछ, और आपको वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना है तो यहाँ से आप वो सब कुछ ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।